तो गाइस यार आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं टॉप 5 एक्सपेरिमेंट बहुत ही कमाल कमाल के। क्योंकि गाइस वीडियो ना शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन भी है और इसमें एक्सपेरिमेंट भी है। तो गाइस वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए यार। तो चलो आपको पहला एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। तो गाइस यार पहला एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप, पहले ये देखिए, ये दो कागज़ हैं हमारे पास इस टाइप में कटे हुए, इस टाइप में, ठीक है। ये एक, ये दो, ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह। ये दो कागज़ हमारे पास इस टाइप में कटे हुए शेप में, तो इन्हें हम रखते हैं यहाँ पर। तो गाइस यार ये है हमारे पास दो कागज़ जो हमने है ना इस प्रकार कट कर लीजिए, पीछे देखो और ये देखो साइड में, ठीक है। इस प्रकार हमने कट कर रखे हैं इस तरह, ठीक है। और अब इन्हें मैं इस तरह यहाँ पर जमाता हूँ, ये है ए, ये है बी, ठीक है। इस तरह ये देखो यहाँ जमा दिया, ये जमा दिया है ना। और अब मैं इनकी पोजिशन चेंज करता हूँ, ये देखो इस प्रकार ये पोजिशन चेंज कर दी, कर दी। तो भाई ये देखिए पहले तो आप, अब ये आपको बी वाला, अब ये आपको बी वाला छोटा लग रहा है ना, बी वाला छोटा लग रहा है ना। और अब देखिए आप इसे घुमा के, आपको कौन सा छोटा लग रहा है, ए वाला आपको छोटा लग रहा है। तो गाइस यार अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें ए वाला छोटा है या फिर बी वाला छोटा है, आपको कमेंट करके बताना है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर दूंगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और यकीनन मानिए इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही आंसर होगा ना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना होगा। तो गाइस वीडियो ना आखिर तक ज़रूर देखिए। चलो हम अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार अब हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये 3 कांच के गिलास, तो गाइस, और एक ये पेपर। तो इन दो, ये दो गिलासों को ऐसे रखेंगे हम और इस पर, इस पेपर के थ्रू इस तीसरे गिलास को इसके बीच में रख कर हम दिखाने वाले हैं। अगर आप जानते हो तो आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे और मैं तो बताऊंगा ही। खैर तो गाइस सिंपली चलो आपको मैं बता ही देता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करें, वीडियो वेस्ट की लेंथी हो जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो गाइस ये देखिए पहले ये दो गिलास मैंने ऐसे रख दिए और इस पर ये रखा मैंने तो ऐसे बिल्कुल ही यहाँ पर, और किसी प्रकार भी नहीं हुआ। देखो किसी भी प्रकार कर लो आप खुद घर पर ट्राई कर देंगे, देखना बिल्कुल ये। लेकिन हमारे पास है एक दिमाग, हम इसे इस पेपर की ही सहायता से इस पर, इन दोनों पर इस गिलास को टिका देंगे। तो करना सिंपली हमें ये होगा, इस पेपर को करना होगा कुछ इस तरीके से फोल्ड, इस तरीके से ऐसे, इसको ऐसे। इन दोनों गिलास को यहाँ पर रखना है और इसे रखना है बीच में, और अब इस तीसरे गिलास को इसके ऊपर आसानी से टिका देना है। ओह हो गया ना यार, गिलास बिल्कुल इसके ऊपर टिक गया, देख लो अच्छी तरह बिल्कुल। ये पेज था और ये गिलास था। तो गाइस यार सही में यार एक्सपेरिमेंट कमाल का था ना, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का वजन इस प्रकार झेल लेता है। तो गाइस चलो अब हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने 11 12 10th में पढ़ा होगा कि जो हमारे सोडियम होता है ना, सोडियम ये होता है सुचालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है। तो गाइस हमने पढ़ा है और सुना है, लेकिन आज प्रैक्टिकल करके हम खुद देखने वाले हैं वो किस प्रकार, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी और ये है लाइट, आपको मैं जला के बताता हूँ। पहले तो ये है ना, डायरेक्ट तार लगा दिया और ये लाइट जल रही है, देखो रेड कलर की, ये देखो देखो लाइट जल रही है, जल रही है ना लाइट, ये देखो लाइट जल रही है, देखिए ये लाइट जल रही है। तो गाइस अब ना हमने एक वायर तो ऐसे लगा दिया इसका, और एक वायर लगाएंगे हम सोडियम से होता हुआ। तो देखो एक ये वायर है, इस वायर को इसमें लगा देंगे इस प्रकार, बस ये एक वायर लगाएंगे हम सोडियम से होता हुआ। तो एक वायर ये रहा इसका और एक वायर ये रहा। तो जैसे हम ये जो पीले वाले वायर को इस पे अड़ाते हैं तो ये देखो लाइट जलने लग जाती है, जल रही है ना। और अब ना इसे हम सोडियम से लगाएंगे, इसको सोडियम में से
ये रहा हमारा सोडियम, ठीक है, ये देख लीजिए, ये रहा सोडियम, ये देख लीजिए, ठीक है। पहले तो ना इस सोडियम की जो लेयर आ जाती है ना आगे, इसको हमें थोड़ा सा छीलना पड़ेगा, इस लेयर को, जो ये लेयर बाहर की तरफ आ जाती है इसे हमें हटाना होगा कुछ इस प्रकार। ये देखो ये हट चुका, ये हट चुका, और ये देखो चांदी की तरह परत आ गई है इसमें, है ना, ये परत निकल आई। अब इसे हम ना लगाते हैं, हम तो एक वायर देखो साफ साफ, एक वायर तो इसमें लगा दिया हमने ऐसा यहाँ पर, और एक वायर हमारा ये जा रहा है इस लाइट का इस पर। ये देखो लाइट जल चुकी यार, देखो वायर टच नहीं है बिल्कुल, वायर बिल्कुल मतलब कि दोनों वायर आपस में टच नहीं है बिल्कुल, सोडियम से टच है, और ये देखो लाइट जल रही है। देखो अच्छी तरह मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो सोडियम से टच है दोनों वायर और ये लाइट जल रही है। तो यार गजब का है ना एक्सपेरिमेंट। तो गाइस यार अब हम हमारे चौथे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो गाइस यार अब हमारा चौथा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। तो गाइस आपने देखा होगा कि सोडियम मेल्ट होती है, लेकिन हमने देखी नहीं है, आज हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं और हम खुद भी देखने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं एक्सपेरिमेंट, तो ये सोडियम कैसे पिघलती है वो देखने वाले हैं। तो ये मोमबत्ती को हम जला देते हैं पहले, तो इस प्रकार ये मोमबत्ती हमने जला दी। अब लेते हैं इसमें से सोडियम, ये वाला टुकड़ा, ये देखो ये सोडियम है, ये सोडियम है, इस वाले टुकड़े को लेते हैं, इस वाले टुकड़े को लेते हैं, और अब इस पे ये जो मोमबत्ती है इस पे लगाते हैं। ये देखो वाओ यार, वो ओ ये क्या हो गया, ओ ये क्या बन गया, ये देखो यार कैसी शेप आ गई एकदम, ओफो ओ नो, ये वाह यार सोडियम कैसे पिघल गया गाइस, ये देखो सोडियम कैसे पिघला है यार, ये देखिए। अब इसको ना वापस एक बार और इस पे गिराता हूँ, ये देखो। तो गाइस यार देखा आपने, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस यार देखा आपने कि ये सोडियम कितनी जल्दी पिघल जाता है। तो चलो अब हमारे पांचवें एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, और फिर आपको पहले जो एक्सपेरिमेंट था उसका आंसर भी तो बताना है अभी, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलो अब हमारे पांचवा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार अब हमारा पांचवा एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है हमारे पास पानी, इस गिलास में है पानी। अब इस पानी को हम इंजेक्शन की सहायता से गर्म करेंगे, मतलब गर्म थोड़ा होगा लेकिन बहुत ही खतरनाक होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा यार किस प्रकार गर्म होता है। तो हम ना सिंपल इसमें पानी भर लेंगे इस प्रकार से, इंजेक्शन में पानी भर लेंगे लगभग इतना, ये देख लीजिए लगभग इतना पानी भर लेंगे, और अब इसे करेंगे हम गर्म। तो गाइस गर्म करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब देखो इस पर लगाएंगे हम अंगूठा, जो इसकी आगे वाली जो ये निकलती है ना दवाई की, इस पर लगाएंगे हम अंगूठा और इसे पीछे की तरफ खींचेंगे, इस चीज़ को इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको आगे खींचेंगे, इसको पीछे खींचेंगे, इसको आगे खींचेंगे। और पहले आप ये देखिए कि किस प्रकार ये होता है प्रोसेस, ये देखो बिकॉज इसमें फोकस करना है ना, ठीक है, ये देखो मैं इसको ऐसे जैसे नीचे लेके जा रहा हूँ ना, आप देखना ये देखो बुलबुले बुलबुले किस प्रकार ऊपर आ रहे हैं, ये देखो देख नहीं दिख रहा शायद है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ अब देखो मैं जिस प्रकार इसको नीचे लेके जा रहा हूँ ना बुलबुले, देखो किस प्रकार ऊपर आ रहे हैं, ये देखो ये देखो ये
देखो, ये देखो यार, देखो अब थोड़ी देर करते हैं, लगभग दो मिनट तक ऐसे ऐसे करते रहेंगे हम, तो पानी थोड़ा सा गर्म होगा लगभग। अब देखो आप, ये देखो नीचे के बबूले कैसे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और अब ना इसे हाथ में लेके देखते हैं, इस पानी को हाथ में लेके देखते हैं गर्म हुआ है या फिर नहीं। यार गाइस है ना, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं हुआ लेकिन हल्का सा गर्म हुआ है। ये देखो नॉर्मल पानी लिया मैंने और वो पानी लिया था, तो यार हल्का सा फ़र्क मुझे नज़र आया। अगर मैं और ज़्यादा देर करता तो ये और भी ज़्यादा गर्म हो सकता था, ये होता है प्रेशर की वजह से। तो गाइस चलो अब वो जो पहला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इसे करते हैं साइड में, अब इसे यहाँ पर रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा, लेकिन मैं भी आपको आंसर बता देता हूँ, किसी को पता होता है या किसी को पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। तो भाई ये देखो मैंने आपको ऐसे बताया था, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये देखो अब पासा, अब देखो इसमें आपको बी छोटा लग रहा है, इसमें आपको बी छोटा लग रहा है, ए बड़ा लग रहा है। और अब ना इसे हम यहाँ पर करते हैं, तो अब देखो आपको ए छोटा लग रहा है, बी बड़ा लग रहा है, यह होता है आंखों के इल्यूजन से। अब देखो मैं इसको ऊपर रखता हूं तो ये दोनों ही बराबर है, ये देखो ये दोनों ही बराबर है, ये इसको मैं पीछे रखा तो ये छोटा लग गया, इसको आगे रखा ये ए छोटा लग गया, अब इसको बीच में रखता हूं तो दोनों ही बराबर हुए हैं, बराबर हैं। तो देखा आपने ये आंखों का इल्यूजन किस प्रकार होता है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और हमारे एक्सपेरिमेंट आपको हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सबसे अच्छा लगा तो ये भी कमेंट करके नीचे बता दीजिए। तो मिलता है आपको नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।